नमस्ते, मैं हूँ देवांगी जोगन, एमडी आयुर्वेद। दोस्तों, कोरोना की कठिन परिस्थिति में स्पेसिफिक केयर कौन कौन सी करनी है, इसके बारे में हमने बहुत से सवाल जवाब सुने हैं। मेरे पास बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि स्टीम कितना लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, कितने मिनट लेना चाहिए। इसीलिए आज कोरोना प्रिवेंशन में स्टीम का क्या रोल है, इसे हम विस्तार में जानेंगे। सबसे महत्व की बात बताने जा रही हूँ कि हमारे स्टाफ के सभ्य जो कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे लोग और उनके क्लोज में जो आते हैं वो, और उनके साथ ही उनके घर वाले जो उनके साथ रहते हैं, इन सभी अनुभव पर से हमें ये सल्यूशन निकाला है कि स्टीम सबसे इफेक्टिव है। हम सामान्य रूप से अपने आसपास की सभी वस्तुएं सैनिटाइज करते हैं, ये सही बात है और करनी भी चाहिए, परंतु सबसे ज़्यादा ध्यान में लेने वाली बात है तो वो यह है कि सेल्फ सैनिटाइजेशन, मतलब कि अपने आप को अंदर से सैनिटाइज करना है, और इसके लिए सबसे सरल और सीधा उपाय यानी स्टीम। हमें पता है कोरोना मुंह द्वारा अथवा नाक द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो सबसे सरल उपाय स्टीम ही है। स्टीम द्वारा हमें मुंह अथवा नाक दोनों का जो रास्ता है उसे हमें सैनिटाइज करते हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंच सके। तो मित्रों, आपके पास अगर स्टीमर हो तो उसमें जहां तक निशान हो वहां तक पानी भरो, और उसके अंदर क्या डालना है तो उसमें अजवाइन, विक्स, नीलगिरी की एक दो बूंदे, और अगर कुछ भी ना डालो तो स्टीम खुद ही इतना फायदेमंद है। अब दूसरा प्रश्न, स्टीम किस तरह लेना चाहिए। स्टीम लेने से पहले एक कॉटन के कपड़े से अपना सिर को ढक लो, जिससे आप कॉन्सेंट्रेटेडली होकर आप स्टीम ले सके। पहले 10 बार नाक से हवा अंदर लेना है और मुंह से हवा बाहर निकालना है, फिर दूसरे 10 बार मुंह से हवा अंदर लेना है और नाक से हवा बाहर निकालना है, फिर से 10 बार नाक से हवा अंदर लेना है और मुंह से हवा बाहर निकालना है। इतनी प्रक्रिया करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, जिससे स्टीम लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। स्टीम लेने के बाद तुरंत एसी या पंखे के नीचे नहीं जाना है। अगर पसीना हुआ हो तो उसे पोंछ कर और नॉर्मल टेम्परेचर में 10 से 15 मिनट रहना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तो कोई भी छोटे बर्तन में पानी भर के भी स्टीम पूरी तरह से ले सकते हो, यह भी उतनी ही फायदेमंद है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज हो, बच्चे हो अथवा बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति स्टीम ले सकता है। स्टीम लेने की प्रक्रिया एकदम फायदेमंद है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आशा रखती हूँ कि स्टीम के विषय में बेसिक कंसेप्ट सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हर रोज स्टीम लेना शुरू कर देना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति दिन में 3 बार स्टीम लेना चाहिए, क्योंकि वह खुद घर में ही रहेगा और दूसरे लोग जो बाहर से अंदर आते हैं वह भी संपर्क में आते ही हैं। इसीलिए जो घर में रहने वाले व्यक्ति है उसे दिन में 3 बार स्टीम लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क में अथवा बार बार अंदर बाहर होते हैं, ऐसे लोगों को दिन में 4 से 5 बार स्टीम लेना चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ हर व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाए, स्टीम लेना शुरू कर दे, जिससे हम अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख सके और उनके द्वारा देश में से कोरोना भगाने में महत्व का योगदान दे सके। नमस्कार।